हेलो एवरीवन एंड यू आर वेलकम टू यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैं कम्युनिकेशन रिसर्च का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ 10वीं यूनिट का, इसलिए मैं 9वीं यूनिट से शुरू कर रहा हूँ। और इस 9th यूनिट है अपनी आईसीटी एंड मीडिया। ऐसे करके मैं बाकी यूनिट भी कवर करूंगा। जून के होने वाले यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन पेपर के लिए ये तैयारी शुरू हुई है। 10वीं यूनिट आप यूट्यूब में जो चैनल है कैंजेनियम का, उसमें जाके देख सकते हैं। 3 वीडियो अपलोड किए हैं। ये जो ICT एंड मीडिया है, इसको मैं एक ही यूनिट में कंप्लीट करूंगा। इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 3 वीडियो में अलग अलग प्रिपरेशन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक ही वीडियो में पूरा आपको समझा सकूं। तो आइए चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। ICT एंड मीडिया क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ICT और मीडिया क्या होता है। ICT एंड मीडिया, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं मोबाइल फोन में, आप कोई ऐप चला रहे हैं, अनअकैडमी आजकल जो काफी ऐप फेमस चल रहा है, जहाँ से आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, अनअकैडमी, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो यूडीमी, ऐसे करके कई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उस पर चलते हैं, तो ICT के थ्रू ही वो प्लेटफॉर्म रन करते हैं। ICT के काफी फायदे हैं, मैं आगे इस टॉपिक को अपन जब पढ़ेंगे तो ऐसे कहीं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ICT के कहाँ कहाँ यूजेज हैं, ICT कहाँ आपको डेवलपमेंट में मदद करता है। सिर्फ एजुकेशन में डेवलपमेंट में मदद नहीं कर रहा ICT, ऑल ओवर डेवलपमेंट, कोई भी फील्ड आप अगर आप चुने तो वहां पर ICT का बहुत मेजर रोल है डेवलपमेंट में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर ICT का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ देखिए टॉपिक है ICT एंड मीडिया, तो ICT का मीडिया में क्या रोल है वो भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए आजकल जो मीडिया के इक्विपमेंट आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कोई भी जैसे आपके पास कोई रिटन नोट्स है आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ICT के थ्रू ही पॉसिबल हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि मीडिया में ICT का क्या रोल रहा है। ICT का मीडिया में रोल इतना ज्यादा अब बढ़ चुका है क्योंकि मोबाइल फोन उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब से मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ है, खास तौर पर मैं बात करूंगा स्मार्टफोन, जब से टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद से जो मीडिया और ICT है काफी मर्ज हो चुके हैं, इनमें कन्वर्जेंस आ गया है। हम बात कर रहे हैं कि ICT और मीडिया, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, मोबाइल फोन से मैंने आपको बताया हार्डवेयर, कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत हासिल कर सकते हैं, हमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो हमें तुरंत उसके बारे में पता चल जाता है। वेब 2.0 का नाम आपने सुना होगा, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसके थ्रू हम मीडिया को काफी अच्छी तरह से काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ICT डिजिटल मीडिया के अंदर, मीडिया के थ्रू हम बात करते हैं जो न्यूज चैनल्स है, आजकल आपने देखा कई वेब पोर्टल्स हैं, तो वो भी आजकल ICT का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो वेब पे काम कर रहे हैं, उसमें लेटेस्ट न्यूज आपको तुरंत मिल जाती है। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ इन शॉर्ट जो ऐप है, आप कोई भी लेटेस्ट न्यूज देखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज होती है तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आपने उसका ऐप इंस्टॉल किया है। तो ये काफी फायदे हैं ICT के जो मीडिया के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल फॉर्मेट इनटू अ डिजिटल वन। फिजिकल फॉर्मेट को डिजिटल में कन्वर्ट करना डिजिटाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया जिससे आप काफी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। चेंजिंग बैंक स्टेटमेंट दैट वुड ट्रेडिशनली बी सेंड वाया मेल इनटू एन ऐप और डिजिटल फॉर्मेट। आजकल आपने देखा है कि जब आप बैंक में स्टेटमेंट लेने जाते हैं तो आपको एक फिजिकल फॉर्मेट ही मिलता है, मगर साथ में वो लोग आपके ईमेल पर भी भेजते हैं कि इस महीने का आपका क्या स्टेटमेंट रहा है बैंक का। तो ये एक फॉर्मेट है कि वो आपको जो फिजिकल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको डिजिटली आपको मेल पर मिल जाती है। ऐसी काफी चीजें हैं, आप आर्टिकल कोई लिखते हैं, आर्टिकल आप अगर इसमें लिख रहे हैं तो आप उसको डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं जो आप अपनी वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं। तो एक डिजिटाइजेशन इस चीज को कहते हैं कि आप कोई फिजिकल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं उसको डिजिटल भी आप ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन मास मीडिया।
इंपैक्ट का क्या है आईसीटी का मास मीडिया में. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि आईसीटी और मीडिया के अंदर वही चीज इसमें एप्लीकेबल होती है कि आईसीटी 21वीं सेंचुरी, यहाँ पर मेंशन भी किया गया कि 21वीं सेंचुरी के बाद काफी डेवलपमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और उसका असर मास मीडिया में काफी तरफ से पड़ा हुआ है. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आईसीटी के थ्रू आज हमें कोई भी न्यूज देखनी है या कोई भी न्यूज कवर करता है कोई भी जर्नलिस्ट मास मीडिया का, कोई इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में उसको अगर कोई जर्नलिस्ट कवर करता है तो आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इतना अपडेट रहता है कि उसको पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये जानकारी अच्छे से मिल जाती है कि उसको कौन सी जगह पर जाकर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो हम कहते हैं टाइमलेसनेस ऑफ न्यूज, उसको जाकर वो कवर कर सकता है. उसको ये वेट करने की जरूरत नहीं कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेकिंग होगी फिर कोई उसको बताएगा. आज उसके मोबाइल में सारी चीजें उपलब्ध है, उसके मोबाइल में कोई भी ब्रेकिंग चीज होगी तो उसको पहले से पता चल जाएगी और वो जाके उसको डायरेक्ट कवर कर सकता है. ऐसे ही हम एक नॉर्मल यूजर की बात करें जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है मास मीडिया के थ्रू, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है टीवी की पेपर की कि उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको 3 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं. आज हर मिनट कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ब्रेकआउट होती है वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल फोन में मिल जाती है, तो वेट करने की आजकल कोई जरूरत नहीं है. तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आईसीटी का मास मीडिया में. कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको तुरंत उसका उसके बारे में पता चल जाता है. ये कुछ और है जो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी मैं आपको पीपीटी भी जे लिंक में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आपको अगर पढ़ना हो. मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ बस इसका, क्योंकि ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो फिर वो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा ये वीडियो. तो ये कुछ और टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा इसको कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की. इससे सब लोग रूबरू हैं कि सोशल नेटवर्किंग क्या होती है. आजकल हम लोग अपना ज्यादातर समय सोशल नेटवर्क में बिताते हैं, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो और इंस्टाग्राम हो, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम चल रहा है. तो सोशल नेटवर्किंग कुछ नहीं होता है कि अपना एक सोशल कम्युनिटी बनाना है, रिलेशनशिप बनाना ऐसे लोगों से जो जिनको हम जानते हैं, जिन जो लुक अलाइक है, जो हमारे साथ हमारे दोस्त हो सकते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स से वो बना सकते हैं. कुछ लिंक्डइन का अगर एग्जांपल दो, लिंक्डइन में आप ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो शायद आपकी फील्ड से रिलेटेड हो. आप अगर जॉब करना चाहते हैं किसी कम्युनिटी में तो आप उन लोगों को जोड़ सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप ऐसी फील्ड बना सकते हैं लिंक्डइन के अंदर. तो आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है. मगर सोशल मीडिया का मेन चीज है अपनी कम्युनिटी रिलेशन बनाना पीपल के थ्रू. हम अपना जो स्पेस है ग्लोबल स्पेस में माना जाता था कि स्पेस दोस्त जो हम कहते हैं फ्रेंड सर्कल होता है, बिजनेस सर्कल है, कम्युनिटी सर्कल है, सबको इम्प्रूव कर सकते हैं, सबको बढ़ा सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू. तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू काफी चीजें आती हैं. आपको वेबसाइट है, ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू आप कई ब्लॉगर से मिल सकते हैं. यूट्यूब सबसे बड़ा एक जरिया बन गया है आजकल, यूट्यूब के थ्रू आप काफी फेमस हो सकते हैं, अपने वीडियोज, अपने इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज काफी लोगों तक पहुंचा सकते हैं यूट्यूब के थ्रू. तो ये कई तरह की कहीं ऐप मिलकर सोशल नेटवर्किंग में अलग अलग रूप में आपकी मदद करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए. तो सोशल नेटवर्किंग से आप रूबरू हैं और इसके बारे में आपको यही समझना है कि सोशल नेटवर्किंग में कौन कौन से आप वेबसाइट्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन, इसमें किसका क्या यूज है. क्योंकि इसका क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादातर यही आता है कि ट्विटर का क्या उपयोग होगा, कौन सी वेब ब्लॉगिंग साइट्स हैं, कौन सी वेब ब्राउजर्स हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं. तो आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा कौन सी ईयर में कब क्या लॉन्च हुआ था, या आ चुका है कि फेसबुक कब लॉन्च हुआ था, ट्विटर कब हुआ है, लिंक्डइन कब हुआ है. तो आपको ये देखना पड़ेगा या आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि इसको सर्च कीजिए. अब बात करते हैं एनिमेशन क्या होता है. एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, ड्रॉइंग, लेआउट, प्रिपरेशन ऑफ अ फोटोग्राफिक सीक्वेंस ऑफ एन इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया एंड गेमिंग प्रोडक्ट. एनिमेशन कुछ नहीं होता है, एक सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होती है. देखो स्टील इमेज आप देखते हैं उसका एक सीक्वेंस बनाया जाता है, कुछ 24 फ्रेम्स मानते हैं. वैसे एनिमेशन में आप अगर देखें तो 13-14 फ्रेम होता है क्योंकि फास्ट एनिमेशन रहता है. तो एनिमेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टील इमेजेस और उस स्टील इमेजेस का जो सीक्वेंस होता है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे आपको मूवमेंट नजर आता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल का अगर हम मूवमेंट लें तो वो एक बॉल पर फ्रेम जो मूवमेंट हो रहा है वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि वो मूव हो रहा है. मगर वो एक फोटो है,
एक फोटो एक जगह पर है, दूसरा फोटो उसको आगे जाके उसको लिया गया है, तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक मोशन का, तो उसको एनिमेशन कहा जाता है। अब एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं? एनिमेशन बेसिकली चार टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और कंप्यूटर एनिमेशन। सबसे पुराना एनिमेशन है ट्रेडिशनल एनिमेशन, जो कि हैंड ड्रॉइंग एनिमेशन है। जैसे आप पहले देखा करते हैं कि पहले के जो आर्टिस्ट होते थे वो एक एक चीज ड्रॉ करते थे, फिर आगे ड्रॉ करते थे, फिर उसका अगर आगे का कुछ कैरेक्टर का मोशन चेंज है तो उसके लिए अलग ड्रॉइंग होती थी, फिर कुछ अलग पोज है, अलग सीन है तो उसके लिए अलग ड्रॉइंग होती थी, फिर उनको एक साथ मिलाकर जोड़कर बनाया जाता था, तो उससे फिर एक मोशन क्रिएट होता था। तो वो ट्रेडिशनल बहुत पुराना तरीका होता था। उसके बाद आया था स्टॉप मोशन एनिमेशन, क्ले मोशन कटआउट, ये भी उस प्रकार का एनिमेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्ले ले लेंगे, उसका एक पोज बनाया, फिर उसका पोज बदल के फोटो खींच ली, फिर अगले पोज में उसकी फोटो खींच ली, फिर अगले पोज में मान लो सीन कुछ बदल गया, फिर उसकी फोटो खींच ली, तो अलग अलग फोटो खींच कर उसको एक सीक्वेंस में जमाएंगे, उसको फिर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब आप एक बार सीक्वेंस में जमाते हैं हर सीन बाय सीन, तो वो स्टॉप मोशन एनिमेशन होता है। मोशन ग्राफिक्स आजकल VFX आपने काफी देखे होंगे, टाइटल एनिमेशन, लोगों के एनिमेशन जो होते हैं वो मोशन ग्राफिक्स के अंदर आ जाते हैं। जो अभी सबसे फेमस एनिमेशन चल रहा है वो है कंप्यूटर एनिमेशन, 2D एनिमेशन। आपने काफी ऐसे सीरियल्स जो बच्चे देखते हैं, छोटा भीम हो गया, निंजा तोड़ जाता था, वो 2D एनिमेशन है। काफी बच्चे पसंद करते हैं 2D एनिमेशन को। 2D एनिमेशन बहुत ही वाइड फील्ड है, इसमें काफी स्कोप भी है, काफी लोग इसमें करियर भी बनाते हैं। 3D एनिमेशन आजकल जो मैक्सिमम मूवीज हैं या उसमें 3D का उपयोग काफी हो रहा है, खासतौर पर जो मूवीज आपने अगर देखी होंगी तो बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी जो कम्प्लीटली 3D भी रही है, तो 3D एनिमेशन का स्कोप भी बहुत ज्यादा है और इसका उपयोग हर जगह हो रहा है। बाहुबली आपने भी देखी, उसमें VFX भी यूज हुआ है 3D, किसे आपने देखा होगा कि वो जो एनिमल उन्होंने बनाए थे वो 3D से बनाए थे। तो काफी ऐसी मूवीज हैं जिससे आप 3D एनिमेशन, 3D मूवीज हैं, तो काफी टफ जॉब है वो 3D एनिमेशन। और 2D एनिमेशन में क्या अंतर है मैं आपको ये बता दूं, 2D एनिमेशन का मतलब होता है टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मतलब होता है एक्स एंड वाई। इसमें आपको दो डायमेंशन दिखेंगे, उसका साइड पोज दिख सकता है और उसका फ्रंट पोज दिखेगा। वही 3D एनिमेशन में होता है एक्स वाई जेड, एक्स का मतलब होता है उसका फ्रंट पोज, साइड पोज एंड बैक पोज, तो आपको उसका कंप्लीट 360 व्यू नजर आता है 3D एनिमेशन के अंदर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन क्या है, या कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं 11 कॉन्सेप्ट से, जो एक पहला है स्क्वैश एंड स्ट्रेच, दूसरा एंटिसिपेशन, तीसरा स्टेजिंग, चौथा स्ट्रेट हेड एंड पोज टू पोज एनिमेशन, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, स्लो आउट एंड स्लो इन, आर्क्स, टाइमिंग, एक्सेलरेशन और फिर आखिरी जो है अपील। अब मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी समझा देता हूँ ये सब क्या क्या है। स्क्वैश एंड स्ट्रेच, कोई भी बॉल आपने देखी, जब वो अपन किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसका एक जो वॉल्यूम होता है बॉल का और वेट लेंथ होता है वो चेंज होता है। जब कोई बॉल जब जाती है, जब जमीन से टकराती है तो वो थोड़ी स्क्वैश मतलब क्या होता है, थोड़ी दबती है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा चेंज होता है, फिर जब वो बाउंस लेके उचकती है तो उसका आपको लेंथ भी चेंज होता है, लेंथ फिर वापस प्रॉपर होता है, स्ट्रेच होती है। तो कॉन्सेप्ट एनिमेशन का कि वो ये दिखाता है कि उसकी वॉल्यूम और लेंथ चेंज होगी किसी भी चीज से वो अगर टकराता है, या किसी भी जगह पर अगर कोई भी मोशन फ्रैक्शन अगर कोई भी होगा किसी भी चीज का, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, उसकी लेंथ भी चेंज होती है। दूसरा है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन कुछ नहीं होता, एंटिसिपेशन होता है कोई भी मूड, कोई भी सीन, कोई भी मोशन में आपको अगर चेंजेस दिखते हैं, जैसे किसी का मूड है, कोई कैरेक्टर आ रहा है, उसका मूड अगर वो हंस रहा है, वो आकर क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए वो चल रहा है, जंप ले रहा है, जंप लेगा तो उसकी नी मूवमेंट होगी और साथ में हैंड मूवमेंट होंगे। वो अगर हंस रहा है तो आपको उसका मोशन समझ में आएगा कि आगे होने क्या वाला है, तो उसको एंटिसिपेशन कहा जाता है। स्टेजिंग होती है पोज, पहले सीन में क्या है, दूसरे सीन में क्या होने वाला है, वो एक पोज बाय पोज अपन स्टेजिंग करते हैं। चौथा है स्ट्रेट हेड एंड पोज टू पोज एनिमेशन। अब स्ट्रेट हेड पोज टू पोज एनिमेशन के अंदर क्या होता है कि जितने ज्यादा पोज रहेंगे, मतलब जितने ज्यादा आपके ड्रॉइंग रहेगी उतना ही स्लो एनिमेशन रहेगा, मगर जितना स्लो मतलब जितनी कम ड्रॉइंग होगी उतना फास्ट एक्शन रहेगा,
कोई भी एनिमेशन के अंदर. फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग. फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग आपने कभी सीन देखा होगा स्लो मोशन में, तो आपको लगे देखेंगे कि कैरेक्टर का पूरी बॉडी आगे निकल गई, उसके बाल पीछे से बाद में मोशन होकर आ रहे हैं, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है. मान लीजिए उसका वो भाग रहा है तो वो निकल गया, मगर उसका शर्ट के जो कुछ हिस्से हैं वो बाद में आ रहे हैं साथ साथ उस जगह पर, तो ये होता है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन. स्लो आउट एंड स्लो इन, मैंने आपको जैसे बताया कि जितना ज्यादा मोशन रहेगा, ये भी वही चीज होती है कि अगर ज्यादा ड्राइंग है तो एक्शन काफी स्लो रहेगा, मगर ज्यादा कम ड्राइंग है तो एक्शन ज्यादा रहेगा. आर्क क्या रहता है, कोई भी आपने देखा है कि मूवमेंट होता है तो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता. जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं तो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होगा. तो आर्क का मतलब होता है कोई भी चीज को अगर नेचुरल दिखाना है तो वो आर्क के फॉर्म में बनकर दिखेगी. टाइमिंग, टाइमिंग एक पर्टिकुलर टाइमिंग में किस सीन को किस टाइम में आपको लेके आना है वो ये दिखाता है. एग्जैग्रेशन, ये जो है ये पोजेस होते हैं, पोजेस सीन्स क्या क्या चाहिए. अपील, अपील से आप काफी जानते होंगे अपील क्या होता है, कि कैरेक्टर कैसे अपील कर रहा है ऑडियंस को, तो उसके डायलॉग उसके फेशियल एक्सप्रेशन सब इंपॉर्टेंट रहते हैं अपील के अंदर. ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन. अब बात करते हैं ऑनलाइन मीडिया क्या होता है. ऑनलाइन मीडिया आज जो भी आप मोबाइल में चलाते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो सब ऑनलाइन मीडिया के अंदर आता है. इसको डिजिटल मीडिया भी कहते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब, ऑनलाइन आप गूगल क्रोम में जो खोल के ओपन करते हैं, इंटरनेट में कुछ भी आप सर्च करते हैं, वो सब ऑनलाइन मीडिया का एक पार्ट है. तो ये काफी बेसिक टॉपिक है जो सबको पता होगा, क्योंकि काफी बेसिक है. ऑनलाइन आप कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन मीडिया के अंदर आता है. ई गवर्नेंस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हमने देखा कि आपको काफी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएंगी गवर्नमेंट की, जिसमें जाकर आप जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो जॉब के बारे में हो चाहे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, वो आप पता कर सकते हैं. ऐसी गवर्नमेंट ने काफी ऐसी वेबसाइट बनाई है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके अलग अलग क्लास के लोगों के साथ, अलग अलग कम्युनिटी के साथ. मान लीजिए इसमें देखिए चार ऑप्शन मैंने बताए हैं, कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. ऐसी चार जगह हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है क्लाइंट से भी, अपने बिजनेस में जो ओन जो बिजनेस है उनसे भी करती है, सिटीजन है उनसे, और खुद गवर्नमेंट भी अपने आप से इंटरेक्ट करवाती है, अपनी पॉलिसीज को अपलोड करती है ई लर्निंग ऑनलाइन के थ्रू. तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिए क्या होता है. फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेन अलोन सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. आईसीटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो गवर्नमेंट का जिस मैंने आपको बताया कि काफी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप जा सकते हैं, कुछ इनकी जो वेबसाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप अगर आपको जाना है तो उसमें आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में जाकर, एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें काफी जो भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उसके बारे में पता चलता है आपको. कोई भी लेटेस्ट जॉब अगर निकलती है इन द फील्ड ऑफ अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अगर बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो वहां जाके आप पता कर सकते. कुछ भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में जाके पता कर सकते हैं. और काफी लेटेस्ट जैसे कोई भी पॉलिसी कोई गवर्नमेंट लॉन्च करता है, जैसे अगर हम बात करें कि लोन है, मुद्रा लोन है, तरुण लोन है, शिशु लोन है, जो भी लोन है, इसके लिए एक अलग से वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें जाके आप लोन के बारे में पता कर सकते हैं. तो ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. अगर कुछ भी जानना है आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट क्या लॉन्च कर रही है, किस फील्ड में लॉन्च कर रही है, उसके लिए हर चीज के लिए एक नई वेबसाइट बन के तैयार है. उसमें जाकर आप इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में समझ सकते हैं और डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ. आईसीटी इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में. हमने देखा है कि पहले के जमाने में टीचर्स जो होते थे वो सीधे इंस्ट्रक्शन देते थे और बच्चों को सुनना पड़ता था. उसमें ये पता नहीं चलता था कि किसी बच्चे की कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है, किसी बच्चे की कैपेसिटी कम होती है सीखने की. मगर जो आईसीटी ने जो चेंज किया है कि आईसीटी के थ्रू
कोई भी बच्चा एक विजुअली इंटरेक्शन उसका बढ़ जाता है. विजुअली हम चार्ट्स का यूज करते हैं, हम विजुअल वीडियोस का यूज करते हैं, ऐसे एनिमेटेड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं बच्चे को समझाने के लिए. तो विजुअल इंटरेक्शन अगर बढ़ जाता है तो बच्चे को वो चीज आसानी से समझ में आती है. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है आईसीटी में, कि आईसीटी में आपको फिजिकली वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है. आईसीटी का मतलब जिसमें आपको पहले वीडियो जो शुरू हुआ था एग्जाम्पल दिया, अन अकेडमी है, आपकी मर्जी है, आप जब फ्री है तो आप उसको पढ़ सकते हैं. यूडीमी है, आपको कुछ सीखना है तो आपको लगता है कि मेरा सुबह मन बहुत अच्छा रहता है पढ़ने में, सुबह जो भी पढ़ता हूँ समझ में आता है, तो आप सुबह बैठ के पढ़ सकते हैं. तो आईसीटी में ऐसी लिमिटेशन नहीं है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जब पढ़ना है. विजुअल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है. और मोबाइल फोन्स के आने से आप मोबाइल में कभी भी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय भी आप अपना पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है. आप आराम से, आपका जब भी फ्री टाइम रहेगा आप उसमें. आईसीटी ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एजुकेशन के अंदर फॉर डेवलपमेंट में. और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ई लर्निंग जो नई टेक्नोलॉजी है वो इसकी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है. इसके थ्रू आपको काफी एप्स मिल गए आजकल, तो ऐप एप्लीकेशन का जमाना है, तो एप्स के थ्रू आप नई नई चीज सीख सकते हैं. बाइजू है, वेदांतु है, ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जो बच्चे को एक उनका जो नॉलेज है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं. अब हम बात करेंगे एथिक्स इन न्यू मीडिया. एथिक्स क्या होने चाहिए? एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू मीडिया का मतलब ऑनलाइन मीडिया ही होता है. न्यू मीडिया आप वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट में आपने देखा है काफी प्लैगरिज्म जो काफी शुरू हो गया है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट में कंटेंट डालता है उसको कोई भी उठाकर कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देता है, कोई न्यूज लीक होती है उसको कॉपी कर लेता है. तो ये एथिक्स के खिलाफ है न्यू मीडिया के. तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल मीडिया के अंदर. तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ऑनलाइन मीडिया है न्यू मीडिया में उसमें जर्नलिज्म कर रहा है, उसके वेबसाइट से उसका चैनल है पर्सनल यूट्यूब या उसका न्यूज पोर्टल है, तो उसको उसमें ट्रुथ रखना चाहिए, एक्यूरेसी रखनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी प्राइवेसी होनी चाहिए, तभी उसका एथिक्स डेवलप हो पाएगा न्यू मीडिया के अंदर. आजकल ब्लॉगर्स काफी बढ़ गए हैं, तो ब्लॉगर्स को ये रखना है कि अपने खुद के कंटेंट डेवलप करें, दूसरे का कंटेंट को कॉपी ना करें और उसको अपने उसमें पेस्ट ना करें, क्योंकि वो अपना तो नुकसान करेगा साथ में दूसरे का भी नुकसान कर रहा है. देखिए ये बताया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए. वेब एनेबल्ड मीडिया क्या है? वेब एनेबल्ड मीडिया से आपको ये समझ में आता है कि जो वेब में मीडिया का इंटीग्रेशन है. अब हम बात करेंगे कि मीडिया का वेब में कहाँ का इंटीग्रेशन है. वेबसाइट्स है, सोशल नेटवर्क है, ऑनलाइन कम्युनिटी एंड ब्लॉग्स. वेबसाइट के थ्रू हमने मीडिया को डाला हुआ है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, फोटोज है, वीडियोज है, टेक्स्ट है, जो भी चीज मीडिया के अंदर आती है, मल्टीमीडिया के अंदर आती है, वो वेबसाइट में भी है, सोशल नेटवर्क में भी है, ब्लॉग्स में भी हम यूज करते हैं. कोई भी स्लाइड का यूज करना है टेम्पलेट में, कोई भी टेक्स्ट यूज करना है, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स कुछ भी यूज करना है, तो हम ये चार पांच चीजें इसमें यूज करते हैं. न्यू जनरेशन टेलीफोनी बाय मीडिया. न्यू जनरेशन लास्ट 10 ईयर की हम बात करें डिजिटल मीडिया आने के बाद से, जो पूरा न्यू जनरेशन है मीडिया में काफी बदलाव आए हैं और काफी डेवलपमेंट हुआ है. आज हम कोई भी न्यूज के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें तुरंत मिल जाती है. कोई भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मोबाइल के आने से क्या हो गया है कि जर्नलिज्म काफी आसान भी हो गई है. आजकल हमने देखा एनडीटीवी काफी प्रमोशन करता है कि वो मोबाइल जर्नलिज्म को आगे ले जाना चाहता है, तो एक ये बहुत बड़ा कदम है. तो ये एक नई टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है मीडिया के अंदर कि मोबाइल के थ्रू भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं. आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है वीडियो रिकॉर्ड भी करने के लिए, बोलने के लिए, एक ही इंसान जाकर वो चीज कर सकता है, उससे उसका टाइम भी बचता है, उसको वो फटाफट, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से मोबाइल निकालेगा, उसको जल्दी से शूट भी कर लेगा, तो टाइम भी बच रहा है, आपको दो लोगों की जरूरत भी नहीं है, एक ही कर सकता, तो काफी फायदा हो रहा है. तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है मीडिया के अंदर. अब और आगे हम बात करें कि और क्या टेक्नोलॉजी है. व्हाट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चेंजिंग द न्यू इंडस्ट्री एंड हाउ. सोशल मीडिया. सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा हथियार बन गया है. आपको अगर कोई रिलेशनशिप डेवलप करना है कोई दूसरी कंट्री के साथ तो आप सोशल मीडिया के थ्रू से कर सकते हैं. आपको अगर कोई डायलॉग क्रिएट करना है किसी के साथ तो आप ट्वीट कर सकते हैं. ट्वीट पे हमने कभी काफी बार देखा है कि कोई नॉर्मल पर्सन अगर ट्वीट करता है या किसी के कोई फेमस पर्सनालिटी के ट्वीट पे रिप्लाई करता है और फेमस पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी भी उसको रिप्लाई देता है. कई बार ऐसा आपने देखा होगा
तो वो उसको हैशटैग यूज करके, टैग यूज करके, उस जो एक रिलेशनशिप है जो हम पहले नहीं सोच सकते थे कि यार हम किसी बड़े सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं, आजकल वो सब पॉसिबल है थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मीडिया। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ गया है। जर्नलिज्म की अगर हम बात करें, इसमें कैसा फायदा हुआ है, जर्नलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जर्नलिज्म का कंजप्शन भी काफी बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती है, हम रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं। पहले टीवी और प्रिंट के थ्रू हम कोई वेट करते थे काफी, और कभी कभार तो कोई, जैसे हम अगर यंगर जनरेशन की बात करें तो यंगर जनरेशन टीवी और न्यूज़पेपर उतना पढ़ना पसंद नहीं करता था, तो उनको लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता नहीं चलता था। मगर आजकल यूट्यूब है, कुछ भी ट्विटर है, फेसबुक है, कहीं भी आप अगर ओपन करेंगे तो आपको फटाक से कोई भी लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पता चल जाती है। तो आप अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप उससे अपडेटेड हैं। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, मगर फिर भी मुझे उसके मैसेजेस पॉपअप होकर दिख रहे हैं, तो मुझे कम से कम ये अपडेट रहेगा कि क्या क्या चीज चल रही है, भले ही मैं उसको जानबूझकर नहीं पढ़ना चाहता हूं तब भी। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा है। अब इसमें हाउ हैज मोबाइल चेंज इन पर्टिकुलर कंजप्शन एंड क्रिएशन ऑफ न्यूज, मैंने आपको बताया मोबाइल से आप कैसे चेंज कर दिया, आप कुछ भी कर रहे हैं आजकल तो ऐड भी चलने लगते हैं, आप गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐड दिखने लगेगा कोई भी न्यूज का, तो कुछ भी आप कर रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, कोई भी आप अगर वेबसाइट चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो वहां पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के पॉपअप्स कई बार नजर आते हैं, भले आप उसको पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, मगर उसके बाद भी आप उससे अपडेटेड रहते हैं। मोबाइल एडेप्शन क्या है, मोबाइल एडेप्शन की अगर हम बात करें तो वो होता क्या है, मोबाइल एडेप्शन होता है कि आज आप देख रहे हैं वेबसाइट चलती थी, वेबसाइट कंप्यूटर में हम दिखाते थे, मगर आज ऐसे मोबाइल फोन्स आ गए हैं कि हम वो वेबसाइट को डायनेमिक बनाकर उस मोबाइल फॉर्मेट में उतार सकते हैं। तो मोबाइल अडॉप्ट करता है कि मान लीजिए कोई भी ऐप है, आप अगर फेसबुक चला रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो कंप्यूटर में भी दिखता है, मोबाइल में भी दिखता है, मगर वो मोबाइल के फॉर्मेट में अलग अलग साइज के मोबाइल फोन आते हैं, उसमें एडजस्ट होता है, मतलब अडेप्ट हो जाता है उस साइज के अंदर, और आपको एक यूजर एक्सपीरियंस जो होता है वो मिलता है। आप वेबसाइट चला रहे हैं, आपको डेस्कटॉप पे एक वेबसाइट नजर आती है, वहीं एक मोबाइल में आप अगर वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है, मगर वो एक्सपीरियंस लाने के लिए मोबाइल में एक टेक्नोलॉजी है, वो अडेप्शन होता है कि आप मोबाइल में जैसा देखना चाहते हैं वो आपको दिखता है, आपको ऐसी चीज नहीं होती कट गया, क्योंकि आप साइज देख लीजिए मोबाइल, आप अलग अलग साइजेस हैं और अलग अलग साइजेस में अडेप्शन होना बहुत जरूरी चीज है। डेस्कटॉप का साइज बड़ा है, लैपटॉप का साइज छोटा है, उसके बाद मोबाइल फोन का साइज छोटा है, तो मोबाइल फोन उसको एडजस्ट करता है, उसको अडेप्ट करता है उसके साइज के अंदर, ताकि उसमें ना कुछ चीज कुछ कटे ना कुछ चीज छूटे, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाती है और पूरा एडजस्ट भी हो जाता है, तो एक यूजर एक्सपीरियंस डेवलप होता है। ये मोबाइल एडॉप्शन के बारे में ही दिया गया है कि कब से मोबाइल एडॉप्शन का हुआ, क्योंकि देखिए 2010 के बाद में मानूंगा कि जब से स्मार्टफोन आया है, खासतौर से कंप्लीट टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन, तब से एडॉप्शन मोबाइल का काफी ज्यादा हुआ, क्योंकि टच स्क्रीन नहीं था तो क्वार्टी कीवर्ड और जो बिना टच वाले फोन थे उसमें आपको इसी नजर नहीं आती थी, उस समय तो आईसीटी भी उतना डेवलप नहीं था। 2010-11 के बाद ये एक साथ जो पूरा चेन बनी है कि आईसीटी आया, उसके बाद टच फोन्स आ गए, एंड्रॉइड फोन्स आ गए, उसके बाद ये चीज काफी चालू हुई है। मीडिया में इतना ही, आईसीटी मीडिया में जितने भी टॉपिक्स थे मैंने पूरे कवर कर लिए, थोड़ा फास्ट मैंने आपको बताई सब चीजें कि आप क्या क्या चीज कर सकते हैं इसके अंदर, और बेसिक आइडिया दे दिया, बाकी डिटेल में आप इसको एक एक स्लाइड को पढ़ सकते हैं, आपको अगर डिटेल में जाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिए, तो उससे आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा कि आईसीटी और मीडिया में और कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मास कम्युनिकेशन के और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलिए, क्योंकि और भी वीडियोस में लेके आऊंगा, जो अभी बची हुई 8 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट में, एक यूनिट में डाल चुका हूँ, ये एक और यूनिट है, इसके बाद 8 यूनिट और बच रही है, उनके भी मैं पीपीटी में वीडियोज बना के अपलोड करूंगा।
तो धन्यवाद।